यार आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ ये डिजिटल क्यूब टेबल क्लॉक, जिसमें हम अलार्म भी सेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे करना है, कैसे इसमें डेट एंड टाइम सेट करना है, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को जरूर से पूरा देखते रहिए। तो यार कैसे आप सब भाई लोग, आई होप कि आप सभी अपनी लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सुंदर सा बॉक्स है और इसके अंदर है वो सुंदर सा लगने वाला डिजिटल क्लॉक जो कि क्यूब के फॉर्म में आता है और जो कि कलर चेंज भी होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि बॉक्स को ओपन करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी तो इसके अंदर की चीज़ जान पाएंगे। और बात करूँ मैंने इसे कहाँ से ख़रीदा है, तो भाई आप इसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट कहीं से भी ख़रीद सकते हैं। नीचे बाइंग लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर देखिए, अच्छा लगे तो परचेज़ कीजिए। 300 रुपये के अंतर्गत ये आपको मिल जाएगा देखने को। मैनुअल है, मैनुअल का कोई काम नहीं है, मैनुअल का काम इसलिए नहीं है क्योंकि आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो इसको रखते हैं साइड में। इसी के साथ सीधे हम जो है इसको ओपन करेंगे। तो ओपन करने के लिए कुछ इस तरीके से ये हम बाहर कर लेते हैं, डब्बा बगल में रखेंगे, इसको हम लोग झिल्ली से भी बाहर कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से दिखने वाला हमारा ये सुंदर सा डिजिटल क्लॉक आप देख सकते हैं। और सबसे पहले मैं बात करूं इसके पीछे की तरफ, तो आप देख सकते हैं ये क्यूब के फॉर्म में है और पीछे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 बटन आपको दिखाई देंगे। ये 4 बटन बहुत ही काम के बटन है, उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। और इसी के ज़रिए जो है हम सेट करने वाले हैं आज का डेट एंड टाइम एंड अलार्म। इसके बाद अगर मैं नीचे की तरफ देखूं तो यहाँ पर ओपन हो जाता है ये, यहाँ पर आपको बैटरीज डालनी होंगी, जो कि छोटे वाली बैटरीज आती हैं रिमोट सेल की बैटरी, उसको हमको डालेंगे तो यहाँ पर डिस्प्ले आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बैटरी यहाँ पर जो है वो डाल देते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पर बैटरी डालते हैं तो कुछ इस तरीके से म्यूज़िक आता है और यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले भी जो है आपको दिख जाता है, ये देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको बंद कर लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से बंद हो जाएगा और ये ऐसा यहाँ पर डिस्प्ले आपको आ जाएगा बहुत ही सुंदर सा। अब चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से टाइम को सेट करना है, देन हम लोग देखेंगे कि अलार्म किस तरीके से सेट करना है। तो अगर मैं पीछे की तरफ आऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे बटन्स हमको दिए गए हैं और इन बटन्स में एक बार फोकस करके दिखाता हूँ आपको, आपको अगर ये अच्छे से दिख जाए तो आप देखेंगे इस बटन्स में आपको कुछ चीज़ें मेंशन हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है अप डाउन सेट एंड अलार्म, इस तरीके से यहाँ पर ये बटन्स में लिखा हुआ है, पता नहीं आप लोगों को दिख पा रहा है कि नहीं। इसी के साथ यहाँ पर टैप के बटन है, अगर आप टैप के बटन को इस तरीके से प्रेस करते हैं तो यहाँ पर जो है लाइट्स जलने लग जाती हैं। आप देखिएगा मैं टैप के बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये इसलिए है, आप दोनों में से कोई भी बटन प्रेस कर दीजिए। और मैं एक बार इसको फोकस में ला लेता हूँ, ऐसा ही आपको रखना है और जब भी आपको टाइम देखना हो इसके ऊपर टैप करेंगे तो ये लाइट्स कुछ इस तरीके से जल जाएंगी। ये देख सकते हैं लाइट्स यहाँ पर जल रही हैं, जो कि अभी अच्छे से नहीं दिखेंगे, कमरा में अंधेरा करके आप सभी को दिखा देता हूँ एक बार, तो आप देख पाएंगे जैसे ही मैं यहाँ पर टैप करूँगा कुछ इस तरीके से लाइट्स यहाँ पर जो है जलने लग जाएंगी। तो जैसे आधा रात है, ये लाइट्स ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है वैसे तो जैसे आधी रात है तो उसमें आपको टाइम देखना है तो जस्ट ऊपर टैप कीजिए, यहाँ पर लाइट्स जो है वो कलरफुल लाइटिंग जो है वो जलने लग जाएंगी। तो ये तो हो गया पहला काम, अब हम लोग सीधे काम की बात करते हैं कि टाइम कैसे इसमें सेट करना है। तो भाई इसमें टाइम सेट करने के लिए सबसे पहले आपको नीचे बटन दिए हुए हैं, सबसे पहले आपको टाइम सेट करने के लिए यहाँ पर सेट का यहाँ पर बटन है, ये सेट के बटन को आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं ब्लिंक होने लग जाएगा, अप एंड डाउन आप करेंगे, अप एंड डाउन करने पर ये जो है आप देख सकते हैं ये इस तरीके से आगे पीछे होगा। तो चलिए मैं देख लेता हूँ अभी मेरे घड़ी में कितना बजा हुआ है, तो यहाँ पर 11:37 हो रहे हैं और यहाँ पर एम पी एम वाला भी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर 12 आवर्स एंड 24 आवर्स दोनों आप सेट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले 11 बजा हुआ है तो सुबह के 11 बजे हैं, तो यहाँ पर तो सबसे पहले मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ, ओके, तो आप देख सकते हैं तो ये इस तरीके से हो गए, सुबह के 11 भी बजे हुए हैं, तो ये पी एम यहाँ से हट गया और यहाँ पर 11 हमको दिखा रहा है जो कि सुबह का इंडिकेट कर रहा है। इसी के साथ जब दोबारा मैं यहाँ पर सेट के बटन को दबाऊंगा तो ये जो है स्विच होकर यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ से हम लोग सेट को दबाएंगे और यहाँ पर हम लोग इस टाइम को बढ़ा लेते हैं और अप करेंगे तो टाइम आगे जाएगा। तो यहाँ पर 11:38 हो गया, तो यहाँ पर इसको 38 कर लेते हैं और एक मिनट और बढ़ाकर हम लोग इसको 39 कर लेते हैं, तो ये हो गया। फिर हम लोग जब सेट का बटन दबाएंगे यहाँ पर तो आप देख सकते हैं हमको यहाँ पर जो है ईयर सेलेक्ट करने के लिए आ गया, तो हम लोग यहाँ पर अपना ईयर भी सेलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, तो ये हमारा ईयर सेलेक्ट हो गया। फिर हम लोग यहाँ पर सेट का बटन दबाएंगे,
अब यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करने का आ गया, तो मंथ भी हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये छठवां मंथ हमारा हो गया सेलेक्ट। फिर इसको एक बार सेट का बटन दबाएंगे तो डेट सेलेक्ट करने के लिए आएगा, फिर अप का बटन दबाएंगे तो हमको डेट सेलेक्ट करने का आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेते हैं और ये आज का डेट हमारा सेलेक्ट हो गया ये। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर ये सेट करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। देन सेट का बटन दोबारा दबाएंगे तो ये हमारा यहाँ पर देख सकते हैं 11:39। यहाँ पे जो दो डॉट है वो ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब आपका टाइम यहाँ पे सेट हो चुका है। अगर मान के चलो इसको आपको 12 और फॉर्मेट में देखना है, फिलहाल तो सुबह में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान के चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि यही आपका हो जाता दोपहर के, ये देखिए ये PM दिखा रहे हैं दोपहर के 3 बजे। अभी ये 12 आवर्स वाले फॉर्मेट में है। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। ये अगर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है मतलब अभी आपका घड़ी चल रहा है, ये PM में है। तो यहाँ पर से जो पहला अप वाला बटन है इसको अगर मैं दबा दूँ तो ये 15:40 मतलब कि ये 24 आवर फॉर्मेट में आ गया, और अगर मैं इसको वापस से दबा दूँ तो ये जो है वो 12 आवर फॉर्मेट में आ गया। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं और केवल PM दिखाएगा। इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर टेम्परेचर भी आपको शो करता है। तो टेम्परेचर अगर आपको यहाँ पर डिग्री में चाहिए तो डिग्री में, फ़ारेनहाइट में चाहिए तो अगर आप डाउन का बटन यहाँ पर दबा देंगे तो आप देख सकते हैं फ़ारेनहाइट में शो होने लगेगा। एक बार फिर से दबाएंगे तो डिग्री सेल्सियस में, और अगर आपको फ़ारेनहाइट में चाहिए तो डिग्री फ़ारेनहाइट में यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद अलार्म अगर आपको सेट करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अलार्म का दिया हुआ है, तो इसको अगर हम लोग दबाएँगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अलार्म का जो है आ जाएगा। तो इसमें अब हम लोगों को क्या करना है, मान के चलिए अभी हम लोगों को सुबह के 11:43 में एक अलार्म जो है सेट करना है, ठीक है। तो इसके लिए अब 44 मिनट में, इसके लिए अलार्म में क्लिक किया, अलार्म में क्लिक करने के बाद सेट पे क्लिक करेंगे। सेट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोगों को अप एंड डाउन करके सेट करना है। तो ये हमारा सुबह 11 बजे के 44 मिनट कर लेते हैं, और इसी के साथ यहाँ पर वापस सेट को क्लिक करेंगे और इसको हम लोग 44 मिनट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 44 मिनट आ गया। इसी के साथ फिर हम लोग यहाँ पर सेट के बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्नूज का है, ये भी आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर फिर से हम लोग करेंगे तो यहाँ पर टोन है कि अलार्म में कौन कौन सा टोन बजेगा, तो 9 टोन यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं दूसरा टोन, 8 से 9 टोन है। इसके बाद हम लोग इसको जो है वो सेट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, वापस से सेट का बटन दबाएंगे, ये हमारा अलार्म सेट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलार्म का जो निशान है वो आएगा। ये अभी 11:44 में है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 11:43 हो चुके हैं। जैसे ही 44 होगा यहाँ पर जो अलार्म बजेगा, अलार्म का यहाँ पर साइन जो है वो आ चुका है। तो हम लोग वेट करते हैं और देखिए किस तरीके से अलार्म जो है वो बजेगा। तो आप लोगों को यहाँ पर जो है म्यूज़िक आ रहा होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलार्म जो है वो हमारा बज गया। इसको बंद करने के लिए इस तरीके से आप कोई भी बटन प्रेस कर सकते हैं तो ये अलार्म बंद हो जाएगा। तो अभी ये ब्लिंक कर रहा है मतलब हमारा टाइमिंग चल रहा है। जैसे ही हम लोग यहाँ पर अलार्म क्लिक करेंगे तो जितना बजे का हमने अलार्म डाला था वो है। अब अगर यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा अलार्म का साइन शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर अप एंड डाउन क्लिक करता हूँ, देखिए ये अप मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर स्नूज का भी आ गया। इसको मैं बंद, दोनों को अलार्म बंद हो गया, वापस से चालू करना है। अप को दबाया, अलार्म स्नूज बंद। तो इस तरीके से आप अलार्म को यहाँ से बंद भी जो है वो कर सकते हो। और वापस यहाँ पर मैं अलार्म को दबा देता हूँ। अब जब ये ब्लिंक कर रहा है मतलब ये मेन टाइम जो है वो उसको शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप अपने डिजिटल क्लॉक में टाइम एंड अलार्म जो है वो सेट कर सकते हैं।